नमस्कार साथियों, आज है 12 जून। तो 12 जून के सभी शिक्षण समाचार हम इस वीडियो में कवर करने वाले। आई वीडियो शुरू करते हैं। आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका के 1033 पदों पर निकली भर्ती, 4 जुलाई तक करें आप आवेदन इसके लिए। बेसिक कंप्यूटर और सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्चर की परीक्षा 18 से प्रवेश पत्र है वो जारी कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना में पोर्टल पर आवेदन होगा पेपरलेस। अंग्रेजी माध्यम से अध्ययन किए शिक्षक के लगेंगे महात्मा गांधी। अंग्रेजी स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी में लगाए जा सकेंगे शिक्षक। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए। 18 से 19 जून को होगी भर्ती परीक्षा। व्हाट्सएप में आया नया अपडेट, यूजर्स को मिला ग्रुप में 512 लोगों को जोड़ने का विकल्प। स्वयंबी की फाइल को भी कर सकेंगे शेयर। 3000 से अधिक बच्चे देंगे परीक्षा। विशेष पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए परीक्षा आज होगी। एकेडमिक स्कोर की मेरिट से बनेंगे कॉलेज व्याख्याता। सिलेबस पर सियासत, 9 लाख बेरोजगार जुटे पुराने सिलेबस से, तैयारी में बदलाव से मिली चुनौती। और द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का मामला, सामान्य ज्ञान प्रश्न में आज़ादी में गांधी के योगदान के टॉपिक को उठाया। आरपीएससी की रिव्यू कमेटी के हरी झंडी, स्नातक के पाठ्यक्रम को नई भर्ती में ज़्यादा वेटेज। अहम निर्णय, विशेष एससी का खारिज, छोटे अखबारों में भर्ती का विज्ञापन, अधिकारों का है अनन। सीबीएसई 18 जून को आखिरी पेपर। 12वीं बोर्ड परीक्षा में देरी से प्रथम वर्ष पर प्रवेश प्रक्रिया में राहत की तैयारी। नेक्स्ट, 2 साल बाद लौटेगी 38 छात्रावास में रौनक, 1675 को मिलेगा दाखिला। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की 6ठी कक्षा में पढ़ेगी छात्राएं। 2022-23 के लिए 3 अप्रैल को हो चुकी है संयुक्त प्रवेश परीक्षा। बिट्स 2022 के लिए आवेदन का अंतिम मौका। जयमैन के प्रवेश पत्रों में भी देरी। सहायकाचार्य इतिहास के साक्षात्कार 13 से। प्राध्यापक के लिए 30,000 और बाकी पदों के लिए 21,000 मानदेय केस फैकल्टी से भरे जाएंगे पद। सेवानिवृत्त अध्यापकों के लिए रीट बाध्यता नहीं है। अलवर जिले के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर निजी और केंद्रीय विद्यालयों से अच्छा। अब 3.5 साल में बनेंगे सीए पाठ्यक्रम में किए अहम बदलाव। आज के समाचार यहीं से। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब के पास में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। धन्यवाद।